प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैंपियरगंज के जेपी इंटर कॉलेज में विकास खंड कैंपियरगंज में वैसे ही देवी मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य ग्राम गोपालगंज उर्फ हरनामपुर में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मोहरीपुर से जंगल नंदलाल सिंह रामपुर चक शेरपुर चमराहा सिंघोरवा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुंदरीकरण का कार्य ग्राम भरोहिया में शिव मंदिर व पोखरे का सौंदर्यीकरण का कार्य जनपद गोरखपुर में नवसृजित ब्लॉक भरोहिया के आवासीय अनावासीय भवनों का निर्माण ग्राम सुंभाखोर में समय माता मंदिर एवं पोखरे का सौंदर्यीकरण का कार्य ग्राम बरगदही स्थित शिव मंदिर का पर्यटन विकास का लोकार्पण तथा तहसील कैंपियरगंज में अधिवक्ता चैम्बर्स का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया है जिसकी कुल लागत लगभग 3,736 लाख रुपए है जिसमें 7 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 1 परियोजना का शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कैंपियरगंज तहसील के अंदर विकास की अनेक योजनाओं का शिलान्यास के लिए जनता को बधाई देते हुए कहा कि कैंपियरगंज टाउन एरिया भी बन गया है जिससे यहाँ पर विकास की गति और तेज होगी। उन्होंने कहा कि कैंपियरगंज में इंटर कॉलेज का पूर्व में शिलान्यास हुआ था जिसका आज लोकार्पण हो रहा है। विद्यालय के निर्माण हो जाने से गाँव में ही अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। इसके साथ ही जंगल कौड़िया में डिग्री कॉलेज एवं स्टेडियम का भी निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की चैम्बर्स के निर्माण हो जाने पर अधिवक्तागण को सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा वरासत अभियान चलाया जा रहा है जिसमें एक समय सीमा के अंदर वरासत के मामलों का समाधान होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक स्तर पर हुए एक नवीनतम सर्वे में विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्राध्यक्ष चुना गया है। इस उपलब्धि पर उन्होंने प्रधानमंत्री को प्रदेश की जनता की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वैश्विक प्रतिष्ठित संस्था मॉर्निंग कंसल्ट ने अपने सर्वे में नेट अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री को विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माना है। यह देश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने 6 वर्ष के कार्यकाल में देश की 135 करोड़ जनता की खुशहाली के लिए लगातार कार्य किया है। उन्होंने कहा कि विकास ही रोजगार का आधार है, छोटी छोटी बातों से विकास को बाधित ना करें। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाना ही प्रदेश सरकार का उद्देश्य है। इसके उपरांत उन्होंने जंगल कौड़िया में बन रहे महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय का निरीक्षण कर निर्माण कार्य की प्रगति को देखा और निर्देश दिए कि निर्माण कार्य समय सीमा के अंदर गुणवत्ता युक्त पूर्ण किया जाए जिससे छात्रों को अच्छी शिक्षा मिल सके। इस अवसर पर सांसद रवि किशन, राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, विधायक कैंपियरगंज फतेह बहादुर, क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। और इसलिए प्रमोट करा हमारे डॉक्टर क्षेत्रीय अध्यक्ष जी बैठे हमारे सब की गरीब बड़ी महत्वपूर्ण होगी। मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पूर्ववर्ती सरकारों में लोग बेटियों का इंतजार करते थे बेटी कब आएगी, अब तो लोग सब बेटियों का इंतजार कर रहे थे। ऐसे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हम लोगों के बीच में आ चुके हैं। ऐसे लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री क्या
युवा ऊर्जा भवन क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी और इस जिले के यशस्वी लोकार्पण माननीय महाराज जी के द्वारा किया जा रहा।
गोरखपुर ही नहीं, कैंपियरगंज की जनता को कालेश्वर से लेकर के अगर लखनऊ जाना है तो आपको शहर के अंदर प्रवेश नहीं करना, सीधे कालेश्वर से जंगल कोड़िया होते हुए एक भी गांव समाज दूसरी जगह नहीं है, लगभग कौड़िया बेल्ट के सारे गांव उस हाईवे पर हैं। हमारे विधानसभा को सबसे बड़े नेशनल हाईवे से जोड़ने के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं महाराज जी को, जिन्होंने ये बड़ी बड़ी योजनाएं इस विधानसभा को देख करके हमारे विधानसभा का सम्मान और हम सबको आशीर्वाद देने का काम किया। बिजली की समस्या रहती थी, हरेंडा से उधार बिजली हम लोग लेकर के आते थे जंगल के किनारे, जब दूर दूर यहाँ आंधी तूफान आता था दो दो दिन लाइन नहीं रहती थी, आज अनइंटरप्टेड बिजली 18 घंटे देने का काम अगर किसी ने किया तो सिर्फ महाराज जी के आशीर्वाद से कैंपियरगंज में 18 घंटे लगभग 400 करोड़ 44 करोड़ की योजना से अभी ग्राम इस बेल्ट का सबसे बड़ा लगभग 132 केवीए का विद्युत केंद्र हमारे इस क्षेत्र में बन करके तैयार होने जा रहा है और बहुत ही जल्द महाराज जी उसका भी उद्घाटन करने आपके बीच में आएंगे। कोरोना काल में महाराज जी के निर्देश पर हम सभी कार्यकर्ता साथी आए, जितने यहाँ आए हैं रात दिन एक करके हम लोगों ने गाँव में गए, महाराज जी के आदेश पर हम लोगों ने गांव की जनता की सेवा करने का काम किया और आज उसी का परिणाम है महाराज जी के निर्देशों का कि पूरे उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में कोरोना को अगर कंट्रोल करने का काम किसी ने किया तो उत्तर प्रदेश के सरदार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और पूरा विश्व इसकी तारीफ कर रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो अभी अपना कमेंट किया उत्तर प्रदेश को हाईएस्ट कोरोना काल में जो हम लोगों ने जो सुरक्षा अपनाया उस पर हम लोगों को उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा कार्य उत्तर प्रदेश ने किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैंपियरगंज अस्पताल का उच्चीकरण करने का काम, उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में दो दो इंटर कॉलेज वीर बहादुर सिंह इंटर कॉलेज सोनौरा और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से हर रामपुर में इंटर कॉलेज बना करके महाराज जी ने जो आशीर्वाद दिया है हम सब इसके ऋणी हैं साथियों। इसी प्रकार डिग्री कॉलेज परम पूज्य महंत अवैधनाथ जी ब्रह्मलीन महाराज जी के नाम पर ग्रामीण स्टेडियम जो अभी रसूलपुर चकिया में उसका शिक्षण कार्य भी बहुत जल्द प्रारंभ होने जा रहा है उसको भी महाराज जी ने देने का काम किया है। मित्रों हम सब कैंपियरगंज की जनता ही नहीं पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता महाराज जी का ऋण अदा नहीं कर पाएगी, हम सब महाराज जी के आशीर्वाद से उनकी कृपा से जो यहाँ का विकास हो रहा है बाहर के लोग जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आकर के देख रहे हैं तो अभी जब हम जानते थे कि जहाँ सड़कों का चौड़ीकरण नहीं था लोग सड़क और गांव भूल गए पहचान नहीं पा रहे हैं कि महुआ तक किधर से था वहां तो दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम दिल्ली के सड़कों पर आवागमन कर रहे हैं, ये आशीर्वाद देने का काम महाराज जी ने किया है। मैं साथियों पुनः जो भी इस क्षेत्र की जो बची खुची योजनाओं के संबंध में है मैंने महाराज जी से निवेदन आग्रह किया है कि उन पर विचार करेंगे और निश्चित रूप से विकास के कार्य में इस क्षेत्र में चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, जिन गांव में बिजली नहीं थी उन गांव में बिजली दे करके महाराज ने गांव का सम्मान बढ़ाने का काम किया। आज गांव में इंटरलॉकिंग सड़क नाली और गांव में कोरोना काल में मुफ्त राशन देने का काम किया तो परम पूज्य योगी महाराज जी के आशीर्वाद से ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को मुफ्त राशन देने का काम महाराज जी के आशीर्वाद से हुआ। मैं पुनः आप सबकी तरफ से महाराज जी के प्रति आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए विधानसभा में जो और भी कार्य है उन पर महाराज जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए अपनी बाड़ियों पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। पूज्य महाराज जी,
काहे महंत जी, काहे एक नंबर के मुख्यमंत्री, काहे देश में इनका मुख्यमंत्री में विकल्प नहीं। क्यों कबो सुचले बड़ा इतना माई बहन लोग बच्चा लोग बाबा आए सबके हम प्रणाम करब इ कबीरगंज की धरती के गोड़ छू के हमारा प्रणाम कर। अद्भुत माटी बाटे हो गए जा माननीय विधायक फतेह बहादुर सिंह जी का सेवा चला था पूरा में जान झोंक देलन कुल कार्य बतौलन जे हम ना बताएं काहे की बहुत डिटेल में बताएंगे कि हमारे महाराज जी के हृदय में कैम्पियरगंज और गोरखपुर और उत्तर प्रदेश पूर्वांचल बसता है। जब हृदय में अपने राजा के अपने मुख्यमंत्री के अपने प्रधानमंत्री के देश और राज्य बसता है तो वहां विकास होता है, वहां अद्भुत कार्य होता है। हमारे सांसद में हमारे साथी जयप्रकाश निषाद जी वार्डन, हमारे धर्मेंद्र सिंह क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के हम प्रणाम, युधिष्ठिर सिंह जी जिला अध्यक्ष जी, जनार्दन तिवारी जी, रमाकांत निषाद जी राजमंत्री वार्डन, जयशोणी त्रिपाठी जी, डॉक्टर सदानंद शर्मा जी, वसीदत्त जायसवाल जी, गणेश जय त्रिपाठी जी, ब्रजेश यादव जी, गोरख सिंह जी, डॉक्टर एलन सिंह जी, डॉक्टर प्रमोद मिश्रा जी, गुरबाज सिंह जी, अजयगिरी हिंदू युवा वाहिनी से हैं गणेश आहनी जी, धीरज मणि त्रिपाठी जी, चंद्रकांत द्विवेदी जी, राकेश चौधरी जी, गौतम जी, और बहुत सारे मंचा सिंह सबके प्रणाम हम करें, सबके प्रणाम करें, कोनो नाम छुपे क्षमा करें, मीडिया भाई सब लोगों के प्रणाम। एक मिनट में हम दो मिनट में बात करें, महाराज जी बोली हैं और पूरा सब लोग आए हैं महाराज जी को सुनने। यह कहा दोनों हाथ उठा ला सब लोग अपन दोनों हाथ उठा ला सब लोग, जितना भी बुलिया पे है जो महाराज जी को नहीं देख पा रहे हैं और जो नहीं जहां जहां खड़े हैं क्यों ना उठा के बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गुरु गोरक्षनाथ महाराज जी शिव अवतारी रहल उन्हीं के पीठ से हमारे महान जी बाड़न, इन्हों भी शिव महाराज जी से कोनो महादेव से कम ना बाड़न, चेहरे पे ललाट देखा उनके निस्वार्थ है महाराज जी। हमने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के पथ पे चल रहे हैं, कुल किसान भाई बहन यहाँ बैठा है, एक किसान भाई बहन कुछ लोग वहां पर हैं हरियाणा और दिल्ली में, एक आदमी हमके हाथ उठा के सच बोलता का आप लोग दुखी हैं क्या, हाथ उठा के कहेंगे पूरा देश का मीडिया देख रहा है, खाता में पैसा आवत था, ब्याज नहीं थे नगर, खेती का सामान खाती, मकान मिलता, शौचालय मिल गई, बहन बेटी का पढ़ाई खाती, मेडिकल खाती, 5 लाख रुपया चौमुख सड़क का जाल, अद्भुत अद्भुतम अद्भुत हमारे देश हो गई कोरोना काल में, जहां के लोग कहे थे ध्वस्त हो जाएगा, करोड़ों गरीब लोग का नाश, महाराज जी को खाली बगले में बैठ के कान में कुछ बोला ना बोला, हम कुछ सोचते कि महाराज जी के कान बोली होकर पहले अखबार में पढ़ी ला महाराज जी काम पारित हुए, जैसे अंतर्यामी है निरंतर, जब एक आदमी सोचता है अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए, तो सो रात को भी सपने में वही आता है कि का कह दी, हेलीकॉप्टर में भी महाराज जी बैठे ना तो का करना, कहां कहां सड़किया बना, इंटरलॉकिंग ठीक बाकी ना है, अधिकारी के कहां ले कौन गड़बड़ तो ना बाटे, कहां से कौन प्रॉब्लम तो ना, कहां पार आ रहा है, कोई बैठ के देखा ना, अब जगह गाड़ी से कुल सड़किया नापते हुए नहीं जा रहा है, लेकिन हो गया ना थोड़ा अधिकारी लोगों का पसीना छूटा था। तो भैया हो बड़ा गौर से बड़ा ध्यान से, भाग्यशाली है हम लोग, मैं और सच कह रहा हूं, कलाकार आत्मा से बोलता है, हमके सुपरस्टार बनाऊंगा, 30 साल से हमको आप लोग सुपरस्टार बनाए हो, ये बात हम अपने आत्मा से आज कहती महाराज जी भी पहली बेर सुनता है।
बड़ा गौर से हम सोचे हो, महाराज जी जब से सांसद बनूंगा 2014 में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते और 2017 में अगर पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री नहीं बनते तो गौर से सुनिए, गांव देहात का लोग बहुत इंटेलिजेंट होता है, ज्यादा बुद्धि हर चलता है, हम लोगों का क्या होता, हम लोगों का क्या होता अगर 2014 में प्रधानमंत्री नहीं मिलते और 3 साल में जो उत्तर प्रदेश की काया पलटती पूज्य योगी महाराज में, और जहां महाराज जी कह रहे थे अधिवक्ता के अभी हम कलेक्ट्रेट में थे, वहां बहुत बड़ा 9.5 करोड़ रुपए का एक भवन तैयार कर दिया। अरे बीमारी तब तो भोर हो जाएगी, काका ना भाई फिल्म से क्यों आई, कुछ हुई एकदम गाना हो चली है, अब केंद्र बनेगा सिनेमा का, हिंदी भाषी फिल्में भोजपुरी फिल्में इसी धरती पर लाखों बच्चों को कलाकारों को काम, अनगिनत रविकिशन का जन्म होगा, किसी को दिल्ली बंबई ठोकर नहीं खाना पड़ेगा। अगर राम मंदिर बन रहा है तो फिल्म सिटी भी बन रहा है, तो एम्स भी बन रहा है, तो फर्टिलाइजर भी बन रहा है, तो चीनी कारखाना भी बन रहा है, तो किसानों के निधि में पैसा भी जा रहा है, हर तरीके से मेरा देश कैसे मजबूत बने, मेरा देश कैसे सुपर पावर बने, मेरा राज्य कैसे ये गैंगस्टर माफिया ये सारे तनावों से ये सारे चोर लुटेरों से मुक्त हो, निरंतर मेरे महाराज जी सोचते हैं। लुटेरे थे, लूट लिया उत्तर प्रदेश को, दरिद्र प्रदेश बनाया था, अब एक्सप्रेस प्रदेश हो चुका है, दरिद्र प्रदेश बनाया था लुटेरों ने, याद रखना ही बात क्यों, चुनाव आवता ये बुद्धि में और अपने जहां जहां एक बांधे के बाद बांध के आज खरीदी गई है, रवि धीरा का जरा चला भाव महाराज जी बोलियन और अपने महाराज जी खातिर गड़गड़ा के आत्मा से सब लोग ताली बजा रहा। परम पूज्य महाराज जी से चाहूंगा कि आज के अब तक की जितने विकास के कार्य हुए कृपा प्रदान करेंगे आदरणीय महाराज। राज्यसभा के माननीय सांसद जी जयप्रकाश निषाद जी, लोकप्रिय विधायक श्री तेजबहादुर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिला के अध्यक्ष विष्णु सिंह जी, क्षेत्रीय मंत्री जनार्दन तिवारी जी, बार एसोसिएशन ब्लॉक प्रमुख जंगल तोड़िया श्री ब्रजेश यादव जी, ब्लॉक प्रमुख एन चेतन बंशीधर जयसवाल जी, कोर प्रमुख गोरख सिंह जी, उपस्थित भाइयों बहनों, कैंपियरगंज तहसील के अंदर अधिवक्ताओं के भवन उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूं। अब कैंपियरगंज टाउन एरिया भी हो गया है, आने वाले समय में यहां पर फीतीगंज की तरह ही यहां पर टाउन एरिया के रूप में विकसित होगी और भारी विकास की संभावना यहां पर बनेगी। इसके लिए भी मैं कैंपियरगंज के लोगों को हृदय से बधाई देता हूं। जैसी भी पहले हो रही थी, ब्लॉक पहले से था, अब टाउन एरिया भी हो गया है, तो एक साथ विकास दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कैंपियरगंज में इससे पहले 2 इंटर कॉलेज, सोनारा में भी
और एक भीमराव अम्बेडकर इंटर कॉलेज का हम लोगों ने पहले भी यहाँ पे शिलान्यास किया था और उसका आज लोकार्पण का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हो रहा है। इसके लिए भी मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ कि अच्छी शिक्षा गांव में ही आपको प्राप्त होगी। जंगल तोड़िया में डिग्री कॉलेज बन रहा है, आज मुझे उसका निरीक्षण भी करना है, बड़ा डिग्री कॉलेज है। स्टेडियम भी बन रहा है और स्टेडियम में खेलकूद के कार्यक्रम होने के साथ साथ रवि किशन जी की फिल्मों की शूटिंग भी होगी वहां पर। यानी एक साथ पठन पाठन भी होगा और मनोरंजन का कार्य भी आपको इसी विधानसभा में देखने को मिलेगा। तो सड़कों का चौड़ीकरण, अनेक मंदिरों का सुंदरीकरण, अनेक अन्य वह कार्यक्रम आज यहाँ पर एक साथ लोकार्पित हो रहे हैं। अधिवक्ताओं का जो चैंबर बन रहे हैं, वास्तव में नाम तो अधिवक्ता है, बैठेंगे अधिवक्ता, लेकिन उस चैंबर में बैठ कर के अधिवक्ता बंधु आप सबको न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। इस दृष्टि यह कार्यक्रम जनता जनार्दन का कार्यक्रम है, हमारे अधिवक्ता बंधु तो उसको नेतृत्व देने वाले हैं। लेकिन वास्तव में एक गरीब को, एक पीड़ित को, एक प्रताड़ित व्यक्ति को न्याय देने के भवन बनने जा रहे हैं और इसलिए मैं अधिवक्ताओं का अभिनंदन करते हुए आप सबको बधाई देता हूं, उस आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, प्रदेश सरकार ने एक अभियान चलाया है वरासत का। एक समय सीमा के अंदर जितनी भी वरासत है सब समाधान होंगे, एक साथ उनका कार्य इन सब को हम समाधान करेंगे। वरासत का यह अभियान 2 महीने के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर पूरे होने हैं और लगभग 2.5 लाख से अधिक लोगों ने इस प्रक्रिया को इस दौरान पूरा करने का कार्य किया है। और यही नहीं, इसके बाद एक विशेष अभियान चल रहा है और वह चल रहा है पैमाइश का, चलेगा पैमाइश के लिए एक गरीब को, एक किसान को, एक नौजवान को भटकना नहीं पड़ेगा। और इसकी सबसे बड़ी कड़ी और महत्वपूर्ण कड़ी कोई बन सकता है, राजस्व के अधिकारी और कर्मी के साथ साथ अधिवक्ता बन सकते हैं जो एक गरीब को न्याय दिलाने में जिनकी बड़ी भूमिका होगी। अधिवक्ता समुदाय एक प्रभुत्व समुदाय माना जाता है और इसलिए अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए, उनके व्यवस्था के लिए शासन ने व्यापक पैमाने पर कार्य प्रारंभ किया है। गोरखपुर में कलेक्ट्रेट में, सदर तहसील में और अब कैंपियरगंज में अधिवक्ताओं के भवन के शिलान्यास के इस कार्यक्रम को हम संपन्न करने जा रहे हैं। कल में सहजनवा और बांसगांव के अधिवक्ताओं के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम को हम लोग आयोजित करेंगे। लेकिन जो कार्य हो रहे हैं, खासतौर पर स्वामित्व योजना, जिस गरीब की झोपड़ी, जिस गरीब का मकान जहां पर होगा, अगर वह विवादित भूमि नहीं है और अगर वह रिजर्व कैटेगरी की भूमि नहीं है, तो उस जमीन को जहां पर उसका मकान है उसका स्वामित्व उसको प्रदान करने की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया है, जिससे किसी गरीब को अपने मकान के लिए इधर उधर भटकना न पड़े। और अगर रिजर्व कैटेगरी और विवादित भूमि है तो प्रशासन का दायित्व होगा कि उसके मकान के लिए उतनी भूमि उसे उपलब्ध करवाए जिससे वह व्यक्ति सुरक्षित और एक सम्मानजनक आवास उस व्यक्ति के लिए, उस परिवार के लिए बनाया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं इस विषय अभिनंदन करता हूं कि मैंने गरीब के लिए स्वामित्व की योजना को प्रारंभ किया और आज प्रदेश का एक एक गरीब, एक एक किसान इस योजना का लाभ ले रहा है। और यही कारण है प्रधानमंत्री मोदी जी के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और पूरे हर समाज के हितों के लिए इन्हीं योजनाओं के कारण उनकी नीतियों का दुनिया में सम्मान होता है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि दुनिया की सर्वे रेटिंग का कार्य करने वाली एक प्रतिष्ठित संस्था ने जो सर्वे कराया है अप्रूवल रेटिंग में,
प्रधानमंत्री मोदी जी को दुनिया के नेताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन भी करता हूं और इस सर्वोच्च रेटिंग में अप्रूवल रेटिंग में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर उन्हें उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उनका उन्हें हृदय से बधाई भी देता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि 135 करोड़ लोगों के हितों में नित्य नए परिवर्तन लाने के जिस संकल्प के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी कार्य कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी देश के अंदर उत्तर प्रदेश का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। काशी से सांसद के रूप में काशी वासियों ने प्रधानमंत्री मोदी जी को चुना है, इसलिए उत्तर प्रदेश के और देश की 135 करोड़ जनता का सिर गर्व के साथ चौड़ा होता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के सामने भारत को बड़े सम्मान और गौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए एक मंच दिया है। भाइयों बहनों, कार्य करने का अपना एक दृष्टिकोण होता है, व्यक्ति का, संगठन का। अगर हमारी सोच सकारात्मक है, गरीब के हित के लिए है, किसान के हित के लिए है, मजदूर के हित के लिए है, नौजवानों और महिलाओं के हितों के लिए है, तो स्वाभाविक रूप से जनता उसे हाथों हाथ लेगी। अगर हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक है, हम केवल अपने लिए सोच रहे हैं, अपने परिवार के लिए सोच रहे हैं, अपने जाति के नाम पर सोच रहे हैं, ये नकारात्मक दृष्टिकोण कभी व्यक्ति को बड़ा नहीं बना सकती, आगे नहीं बढ़ा सकती। इस संकीर्णता को छोड़ करके एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में हमें व्यापक दृष्टिकोण को आगे करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा और यह व्यापक दृष्टिकोण ही आज विकास का एक पैमाना देश का बना है, प्रदेश का बना है। ये व्यापक दृष्टिकोण का ही परिणाम है। मैं आप सबसे इस बारे में अपील करूंगा, अगर गांव में सड़कें चौड़ी होती हैं तो हम लोग उसका विरोध न करें, हम लोग उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेरे गांव का और मेरे क्षेत्र के विकास का आधार वो सड़क बनने वाली है। अगर बिजली का पोल कहीं पर लग रहा है, कहीं तो लगेगा, उस समय हम ये ना कहेंगे मेरे घर के सामने क्यों लग रहा है, क्योंकि यह हमारे विकास का आधार बनने वाली है यही बिजली। अक्सर होता है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के हम विकास की योजनाओं को बाधित कर देते हैं और उसका परिणाम क्या होता है कि विकास अवरुद्ध होने से प्रगति अवरुद्ध हो जाती है, नौजवानों को रोजगार मिलना बंद हो जाता है, एक व्यापक निराशा हताशा देखने को मिलती है। लेकिन हताशा निराशा में जीवन नहीं है, जीवन उत्साह में है, उमंग में है, सकारात्मक सोच में है। और पिछले 6 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने सकारात्मक सोच देश की जनता को दिया है। अगर मैं किसानों की ही बात करूं, आज से 6 वर्ष पहले 2004 से लेकर 2014 तक इस देश के अंदर लाखों किसानों ने आत्महत्या की थी, आत्महत्या इसलिए की थी 2004 से 2014 के बीच में लाखों किसानों ने आत्महत्या इसलिए की थी क्योंकि किसानों का कोई पुरुषा हाथ नहीं था, न उन्हें एमएसपी मिलता था, न प्रोक्योरमेंट की कोई नीति थी, न उन्हें समय पे बीज मिलता था, न खाद मिलता था और न ही किसी प्राकृतिक आपदा से बचाव का ही किसी प्रकार से उसके लिए कोई राहत थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आने के तत्काल बाद स्वायत्त हेल्थ कार्ड जारी किए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और ड्रिप एरीगेशन के माध्यम से तकनीक के साथ कृषि सिंचाई को जोड़ने का कार्य किया और तो और हर किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जोड़ने का काम भी किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आज कोई किसान ये नहीं कह सकता है कि मुझे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिला। अगर कहीं लिपिकीय त्रुटि के कारण, स्पेलिंग की त्रुटि के कारण कोई वंचित हो भी गया है तो उसको सुधारने का आदेश निरंतर दिया जा रहा है, जिससे हर किसान के खाते में सालाना 6,000 रुपये उसके खाते में पहुंच सके। भाइयों बहनों, ये सकारात्मक सोच का परिणाम है।
आज किसानों की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदने की व्यवस्था की गई है। गन्ना किसानों का 1,12,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है। जो चीनी मिले बंद थी उन्हें चलाने की व्यवस्था की जा रही है और नौजवानों की नौकरी की व्यवस्था भी जिस स्तर पर की जा रही है। विगत पौने 4 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 4,50,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी दी तो निजी क्षेत्र में 15,00,000 नौजवानों को नौकरी उपलब्ध कराने के साथ साथ 1.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार की सुविधा भी प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराने का कार्य राज्य की सरकार ने किया है। ये कार्य इसलिए जिससे हरेक के जीवन में खुशहाली लाई जा सके। बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हरेक तबके को देने का कार्य ये उसी कड़ी का हिस्सा है जो बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता। आज विपक्ष इस बात से हतप्रभ है, कल आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल देश का प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में देश का सर्वोच्च सम्मान उत्तर प्रदेश को दिया है। याद करिए सपा के सरकार में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा था, 26वां, और 3 वर्ष में हम कहां लेके गए, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश को पहुंचाए हैं। यानी 17,58,000 गरीबों को शहरी क्षेत्र में मकान देने का कार्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। ग्रामीण क्षेत्र में 14,00,000 से भी गरीबों को मकान देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और लगातार अभी 1 सप्ताह के अंदर ही 7.5 लाख से अधिक गरीबों को फिर से हम एक एक आवास उपलब्ध कराने का कार्य करने जा रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे कोरोना काल में गरीबों के लिए कैसे सेवा होती है, गरीब तक राशन पहुंचाना, हर एक गरीब तक खाद्यान्न उपलब्ध कराना। दुनिया देश के अंदर जहां कहीं कोई उत्तर प्रदेश का वासी थे उसको सुरक्षित वापस लाना, नौजवानों को वो कोटा में हो प्रयागराज में सुरक्षित उसके घर तक पहुंचाने का कार्य करना, ये सभी कार्य इसलिए किए गए क्योंकि एक गरीब, एक किसान, एक नौजवान सरकार के एजेंडे में है। जब सरकार के एजेंडे में नहीं हुआ करता था तो उसके बारे में कोई सोचता भी नहीं था। इसलिए भाइयों बहनों, विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। यहाँ पर तहसील के सामने जो पोखरा है उसके सुंदरीकरण की बात यहाँ के अधिवक्ता समुदाय ने भी की है, यहाँ के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बात भी की है और मैं यहाँ के प्रशासन से कहूंगा कि इसका विलंब प्रस्ताव तैयार करवाए जिससे उसके सुंदरीकरण के कार्य को आगे बढ़ा सके। क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले यहाँ पर तमाम शिव मंदिरों के, अन्य मंदिरों के जो तालाब है उनके सुंदरीकरण के कार्य को आगे बढ़ाया है और ये जो तहसील में है तहसील के कार्यक्रम को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। एक अच्छी सोच के साथ हम विकास की प्रक्रिया में सहभागी बन सकेंगे, यह एक विश्वास आज आपके सामने व्यक्त करने के लिए मैं विशेष रूप से कैंपियरगंज में आया हूँ। क्योंकि कैंपियरगंज में यद्यपि मेरा पहले आपके बीच में बहुत आना जाना होता था लेकिन अब लखनऊ में व्यस्तता के नाते और उसमें भी कोरोना कालखंड में इतनी व्यस्तता है, सुबह से कहीं हॉस्पिटल की व्यवस्था देखना, कहीं पे टेस्ट की व्यवस्था देखना, कहीं पर खाद्यान्न की व्यवस्था देखना, कहीं पे स्कूल की व्यवस्था को देखना, कहीं पेयजल की सुविधा को आगे बढ़ाना, अलग 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 प्रकार के कार्यक्रमों में व्यस्तता होने के कारण हम लोग यहाँ पर उतना समय नहीं दे पाते। लेकिन हमारे सांसद जी, विधायक जी, रमाकांत जी, ये सभी जो हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता गण है सभी लोग किसी न किसी रूप में आपके बीच में आकर के सेवा का कार्य कर रहे हैं, लगे हैं। हम लोग उनके साथ पूरे मनोयोग से लग करके गांव में सड़क बनना, स्कूल बनना, चिकित्सालय का बनना, अधिवक्ताओं के भवन का बनना, मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य का होना, सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य का होना, डिग्री कॉलेज, स्टेडियम, ये सभी विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है। योजनाओं का लाभ गरीब को बिना किसी भेदभाव के मिलना और साथ साथ ये विश्वास कि अगर एक गरीब को मिल चुका है
अगली बार मेरा भी नंबर आएगा, अपनी बारी का इंतजार करना, ये विश्वास शासक के पास भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो योजना आज है ये यहीं पे समाप्त हो रही, नहीं, योजना है उसका सर्वे होता है, सर्वे के बाद कितने लोगों ने लाभ लिया है, एक बार में 10 लोगों ने लाभ लिया है और योजना अच्छी है, हमारा प्रयास होता है अगली बार 100 लोग इसका लाभ लें। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना आपने देखी होगी, हमने पिछली बार इस बारे में कहा था कि जो निराश्रित वृद्धजन है कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनको पेंशन की सुविधा से आच्छादित किया जाए, जो महिलाएं निराश्रित हैं कोई देखभाल करने वाला नहीं, उन्हें निराश्रित महिला पेंशन से आच्छादित किया जाए, दिव्यांगजन, उन सभी दिव्यांगजनों को पेंशन की सुविधा से आच्छादित किया जाए जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं, उन्हें उपकरण वितरण का कार्य भी आज यहां पर किया गया। ये सभी कार्य इसलिए जिससे इनको कहीं भी कोई दुखी ना हो, कहीं भी किसी के मन में कोई पीड़ा ना हो, सबके मन में एक आस हो, सबके मन में एक विश्वास हो और सबके मन में एक ये भाव भी हो कि अगर आज एक का नंबर आया है कल मेरा भी नंबर आएगा और मैं भी इस योजना से लाभान्वित होऊंगा, मैं भी अपने अपारी का इंतजार करूंगा, इस विश्वास के साथ इन कार्यक्रमों को युद्ध स्तर पर चलाने का कार्य किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूँ। आज आपकी कनेक्टिविटी गोरखपुर से बहुत अच्छी हुई है, फोर लेन की कनेक्टिविटी से आप जुड़ रहे हैं, लखनऊ जाना होगा तो जक्कलकोड़िया से होते हुए कालेश्वर होते हुए भी आप निकल सकते हैं, साथ साथ हम एक मार्ग और देने जा रहे हैं हमारे पास जाने के लिए, तो कैंपियरगंज विकास की जिन नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है दिखाई दे रहा है, यह आप सबके एक अच्छे भविष्य की ओर संकेत करना है और मुझे विश्वास है कि विकास की इस प्रक्रिया में सकारात्मक भूमिका के साथ आप सभी कार्य करेंगे, यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ साथ यहाँ के नौजवानों, यहाँ के किसानों, यहाँ की महिलाओं और यहाँ के समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी, इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर इन सभी परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी के प्रति हृदय से बधाई देता हूं, आप सबको अपनी शुभकामनाएं देते हुए यह वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, सुखमय हो, यशस्वी बनाने के लिए हो, आपके जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके सामाजिक जीवन में भी खुशहाली आए, इस विश्वास के साथ आप सबको मैं हृदय से बधाई देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद।